सीसीएस यूनिवर्सिटी ने अभी थोड़ी देर पहले, मतलब 15 अक्टूबर को थोड़ी देर पहले, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि एडमिशन पोर्टल वाली है, उस पर दो नोटिस डाले हैं, जिसमें एक नोटिस में LLB, BA LLB, BCom LLB की मेरिट के बारे में बताया। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो हमने आपको बताया भी था लाइव सेशन वगैरह में कि 16 तारीख को लगने की संभावना है। तो इन्होंने इस नोटिस में बता दिया कि जो ओपन मेरिट 1 लगेगी, मतलब अभी तक LLB, BA LLB और BCom LLB तीनों की अगर बात करें तो दो मेरिट लग चुकी हैं और दो और लगनी हैं। तो पहली मेरिट लग गई, सेकंड मेरिट लग गई, अब ओपन मेरिट 1 लगेगी जिसमें सभी के ऑफर लेटर निकलेंगे। अगर आपने दो कॉलेज डाल रखे तो दोनों कॉलेज के ऑफर लेटर निकलेंगे। मर्जी आपकी है कि किस कॉलेज में आपको जमा करना है, आप दोनों कॉलेज में भी जमा कर सकते हो। तो होगा क्या, अब कि 16, 17 और 18 को ऑफर लेटर जमा करके आपको कॉलेज में जमा करना है। तो आपको बुलाएंगे वो, चाहे तो आप 18 को चले जाओ, चाहे 16 को चले जाओ, चाहे 17, चाहे 18, आपको वो तारीख दे देंगे कि भाई आपको आना है 19 तारीख को कॉलेज में। 19 तारीख को जो वहाँ पे ऑफर लेटर जमा होंगे उनके बेस पे मेरिट लगाएंगे। मान के चलो उस कॉलेज में 30 सीट खाली हैं और उन्हें 30 बच्चे लेने हैं और उनके पास ऑफर लेटर चले गए 100, तो वो सॉर्ट आउट करेंगे, मतलब उसमें जो है सबसे ज़्यादा किसके नंबर हैं उसको सबसे पहले नंबर पे रखेंगे, उससे थोड़े कम किसके हैं, फिर उससे कम किसके हैं, इस तरीके से करके वो 30 बच्चे, जितने बच्चे उनको लेने हैं उनको उठा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से फिर वो मेरिट लगा देंगे 19 तारीख को, और जिन बच्चों के नाम उसमें आए हैं आप 19 तारीख को जाके देखोगे तो 19, 20 और 21 तारीख को उससे एडमिशन कन्फर्म होंगे। उसके बाद जो सीट बच जाएंगी उसके जो हैं ओपन मेरिट 2 लगेगी उस वाले के लिए, ठीक है। और ओपन मेरिट 2 ये भी होता है कि मान के चलो आपका नंबर नहीं आया इसमें और सीट हो गई फुल, तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। फिर उसमें ओपन मेरिट 2 जो होगी उसमें कॉलेज का नाम लिखा हुआ नहीं आता, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो शाम को 8 बजे लाइव सेशन होता है हमारा, उसमें हम आएंगे, आप अपना सवाल वहाँ पूछ सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।